गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों पर सबकी नज़र टिकी हुई है। 18 दिसंबर को दोनों जगहों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। जहां हिमाचल में चुनाव हो चुके हैं, वहीं गुजरात में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। इन दोनों विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। ऐसे में दोनों पार्टियों और खासकर प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है। आए दिन रोज नए नए सर्वे भी आ रहे हैं, जिससे लोगों में चुनाव परिणाम को लेकर हलचल मची हुई है। इस बीच एक नया सर्वे आया, इसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 68 में से 36 से 40 सीटें मिलेगी। यह कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अपने सर्वे बता रहे हैं। पार्टी स्तर पर करवाए गए सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सर्वे पर अंतिम मुहर लगाते हुए कहा, सर्वे में यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अगली सरकार बनाने जा रही है। पार्टी द्वारा धरातल पर करवाए गए सर्वे में यह साफ हो चुका है, कांग्रेस मिशन रिपीट की ओर बढ़ रही है। सुक्खू का मानना है कि इस बार भाजपा का गढ़ माने जाने वाला जिला हमीरपुर में भी कांग्रेस के सार्थक समर्थक नतीजे आएंगे। सुक्खू ने दावा किया, 64 सीटों पर संगठन के कार्य का सीधा असर देखा जा सकता है। संगठन का कार्य इस बार धरातल पर दिखा है। आपको बता दें कि गत 9 नवंबर को एक ही चरण में 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी। कांग्रेस से पहले बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर चुकी है। वहीं गुजरात में भी सर्वे में दोनों ही पार्टियां आमना सामने खड़ी है। किसकी जीत होगी और किसे मिलेगी मात, ये तो 18 दिसंबर को ही पता चलेगा। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। देश दुनिया के अपडेटेड न्यूज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए न्यूज भारती हिंदी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।